हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हम लोग सर्कल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सर्कल दैट मीन्स जिसे हम वृत्त कहते हैं। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने वृत्त की जो फंडामेंटल डिफिनीशंस होती है, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बारे में देखा। जैसे कि हम लोगों ने कोई भी अगर वृत्त दिया हुआ है तो उस वृत्त की जो टेंजेंट होती है उसका मतलब क्या होता है, और टेंजेंट जो एक लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे। अगर कोई भी लाइन किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा, और हमने ये भी देखा हुआ था कि जिस पॉइंट पे पर्टिकुलर इंटरसेक्ट करती है और वो लाइन जो इंटरसेक्ट करने वाली है वो टेंजेंट कहलाती है। तो जिस पॉइंट पे टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसे हम लोग कॉन्टेक्ट पॉइंट बोलते हैं। एक बात यहाँ पे और ऐड करने वाली है कि अगर कोई भी सर्कल है, उस सर्कल में हाउ मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, कि कितनी, यानी कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इन एनी सर्कल, किसी भी सर्कल में कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग इसका आंसर ये होगा, इनफाइनिटली मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। अगर कोई भी सर्कल दिया है तो उसमें बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, ठीक। और हम लोगों ने एक चीज़ ये भी पढ़ा कि अगर कोई भी सर्कल दिया हुआ है तो अगर उस सर्कल में अगर कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट पे सर्कल की रेडियस परपेंडिकुलर होती है, ओके। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे अपने इस चैप्टर को, और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट, ओके, प्रूफ दैट द टेंजेंट द टेंजेंट ड्रॉन एट एंड इंड्स ऑफ अ डायमीटर डायमीटर ऑफ ए सर्कल सर्कल आर परपेंडिकुलर आर सॉरी पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं है पैरेलल ये हमें प्रूफ करना है। ये तो अभी लिखा हुआ है, अब इसका स्ट्रक्चर, जो ये थ्योरी लिखी हुई है, जो कुछ भी स्टोरी लिखी हुई है, तो इस स्टोरी का, ये जो स्टोरी बनी हुई है, इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। इसमें ये कह रहा कि अगर ये सर्कल है और इस सर्कल का एक कोई डायमीटर ले लेते, ये सर्कल है और इस सर्कल का ये क्या है, डायमीटर है, ओके। अगर ये डायमीटर है तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा, ठीक। अब सेंटर हो जाएगा तो इसके दो एंड पॉइंट हैं, एक ये एंड पॉइंट है, ये क्या है, डायमीटर है। अगर डायमीटर है तो इसके दो एंड पॉइंट हैं, और ये दो अगर एंड पॉइंट हैं तो इस पे कह रहा है कि अगर कितनी की जाए, प्रूव करना, जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं इसके एंड पॉइंट पे, यानी कि एक अगर हम लोग ये टेंजेंट ड्रॉ कर दें और एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दें, तो ये कह रहा है कि ये दोनों टेंजेंट्स क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर एक पॉइंट ये ए हमने ले लिया और एक पॉइंट ये हमने बी ले लिया, अब उसके अलावा अगर ये टेंजेंट को अगर हम लोगों ने यहाँ पे पी कंसीडर कर लिया, ये अगर पी है और ये क्यू है, ठीक। और तो कहने वाली बात यहाँ पे है कि अगर कुछ भी इस तरीके से हमने यहाँ पे पी, यानी कहने में अगर इधर हम लोग पी को जनरेट कर लें, तो कहने वाली बात ये है कि जो दोनों टेंजेंट हैं, ओके, कुछ भी मान लेते हैं, अगर यहाँ पे पी क्यू मान लें, तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम इसको पी क्यू मान लेते हैं, ये पी क्यू हो गई, ठीक है। अगर ये पी क्यू हो गई है तो इसे हम आर एस मान लेते हैं, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे अब हमें ये दिखाना है कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कहने मतलब ये है, अगर ये डायमीटर है और ये अगर टेंजेंट है, तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, ये अगर रेडियस है, आधी है रेडियस, तो ये क्या होगी, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक, 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे ओ बी
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस हैं। ठीक, ये अगर रेडियस हैं, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो लाइन है ये ओ ए जो है इस पे क्या है, इस पे क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो ओ पी है, ओ बी है, ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर है इस पूरी लाइन पे। अगर यानी ये परपेंडिकुलर है तो इधर भी परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये जो पूरी पूरी लाइन है इस पी क्यू पे परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पी क्यू पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे बात ये हुई है, अब बात यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि ये वाली जो लाइन है, यानी सिमिलरली इसी तरीके से ये वाली, ये वाली, यानी ये ओ ए जो पूरी पूरी लाइन है ये परपेंडिकुलर है आरएस पे। अब हमको ये दिखाना है कि ये दोनों लाइन जो एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये वाली लाइन क्या है, एंगल सेम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये देखना है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक ओ बी क्यू, ओके, एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ए ओ, एंगल आर ए ओ क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। इक्वल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल हैं, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ओके, अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ से ये साबित होता है कि ये जो लाइंस हैं, यानी इनके एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, तो एंगल साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, दोनों रेडियस हैं, इक्वल हैं, और ये एंगल, ये एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो दोनों टेंजेंट हैं वो क्या है, वो पैरेलल हैं। तो टेंजेंट्स आर क्या है, दोनों टेंजेंट्स आर पैरेलल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बस इसमें यही एक लॉजिक ये देना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल है, यही एक लॉजिक देना है। और हम एक जो प्रॉपर्टी का रिपीटेशन कर रहे हैं कि अगर कोई भी टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है किसी भी सर्कल पे, किसी भी पॉइंट पे, तो जो रेडियस होगी वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यह है क्वेश्चन, क्वेश्चन को सबसे पहले मैं उसका फिगर ही ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे ये बात ये कही जा रही है, दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं। कोसेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेंटर, जिनका सेंटर सेम होता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक फिगर है, उस फिगर में दो सेंटर दिए हुए हैं, इस तरीके से दिए हैं कि दोनों सेंटर कोसेंट्रिक है। कोसेंट्रिक का मतलब ये होता है जिनका सेंटर एक ही हो, ओके, जिसका सेंटर एक ही हो। अब यहाँ पे और दोनों की रेडियस दी हुई है, अगर बड़े वाले की रेडियस, अगर कैपिटल आर की, जो कैपिटल आर दिया हुआ है उसकी रेडियस अगर 5 है, तो छोटा वाला जो सर्कल दिया उसकी रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है उस बड़े वाले सर्कल की एक ऐसी कॉर्ड हमें फाइंड आउट करनी है, कॉर्ड का मतलब होता है जीवा, ओके, ऐसी हमें कॉर्ड फाइंड आउट करनी है जो छोटे वाले को टच करती है, छोटे वाले को टच करती है। यहाँ पे अब इस तरीके से कंडीशन, जो फिगर बना हुआ है, फिगर के अकॉर्डिंग ऐसा ग्राफ, यानी ऐसा फिगर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा फिगर बनकर के तैयार होगा। ठीक, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो बड़ा वाला, जो बड़ा वाला सर्कल दिया है उसकी कॉर्ड क्या होगी, और वो जो कॉर्ड है छोटे वाले को टच करती है। ठीक, ये इसकी रेडियस दी हुई है, ओके, ये वाली रेडियस 1 दी हुई है, बड़ी वाली, ये बड़ी वाली दी हुई है 5, ये अगर सेंटर ओ है, और ये अगर इसको, इस कॉर्ड का नाम हम ए बी रख दें और इसका नाम यहाँ पे पी रख देते हैं, ओके, क्या नाम रख देते हैं, इसका नाम पी रख देते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस पूरे फिगर पे अगर इस पूरे फिगर को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा,
क्योंकि 90 डिग्री इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसको ये टच करता है तो यहाँ पे ये टेंजेंट क्रिएट करेगा और टेंजेंट जो होता है रेडियस पे, जो रेडियस होती है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर एन प्लस ओ पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओ ए कितना है, 5 का स्क्वायर, ए पी हमें फाइंड आउट करना है, ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर दी है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये इसको या तो ये भी लिख सकते हैं 9 3, तो यहां से ए पी इज इक्वल टू आएगा 5 25 -9 ये रूट हो जाएगा, 16 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, ये 4 हो जाएगी तो ये भी 4 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो क्या है, किसी भी साइड का डबल कर देंगे यानी 2 ए पी। ओके, ये जो हो जाएगी और ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू क्या है, सेम हो जाएगी, यानी कि जो ए बी है वो ए बी क्या है, यानी यहां पे ए पी इज इक्वल टू बी पी है, बीपी है। ओके, क्या है, तो यहां से इस एपी यानी जो पूरी पूरी एबी आएगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं कि क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मिलेगा, तो यहां पे इसको ध्यान से देखिएगा कि इस तरीके से एक बना हुआ सर्कल और उस सर्कल के अराउंड में कुछ ऐसा बना हुआ है, ये इस तरीके से गया हुआ है और ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है और ये है इस तरीके से। अब ये है, इसको डी बोला गया, ये डी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस तरीके से पॉइंट मिल गए। और जहाँ पे ये क्या है, चाहे ए बी हो, चाहे बी सी हो, चाहे सी डी हो, ये सब की सब क्या है, ये सारी टेंजेंट हैं, यानी ये जितनी भी हैं टेंजेंट हैं। जिस जिस पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं, जैसे ये पी पे टच कर रहा है और ये क्यू पे टच कर रहा है और ये R पे टच कर रहा है और ये S पे टच कर रहा है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल करके आएगा, रिजल्ट को फिलहाल बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे एक ये देखें कि अगर कोई भी सर्कल दिया हुआ है, जिस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी सर्कल दिया हुआ है उस सर्कल में कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर आउटसाइड कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से इस सर्कल पे अगर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो जिस पॉइंट पे जो है यानी टच करेगी, जिस पॉइंट पे टच करेगा और जो भी एक्सटर्नल पॉइंट होगा, अगर यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट पे अगर टच करता है तो यहाँ से क्या होगा कि बी पी इज इक्वल टू हो जाएगा ए पी। ये एक रिजल्ट है, किसी भी सर्कल में आउटसाइडर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो उन टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल होती है। इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे कि इससे क्या रिजल्ट निकल करके आएगा, यहां से क्या हो जाएगा, इस एपी की वैल्यू, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट को हम मानते हैं तो इस एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एएस के बराबर हो जाएगी। बी को एक्सटर्नल पॉइंट अगर मानते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, बीपी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्यूबी हो जाएगी। इस आर को अगर एक्सटर्नल पॉइंट मानते हैं तो यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इज इक्वल टू, सॉरी, डी को एक्सटर्नल पॉइंट मानते हैं तो डीएस इज इक्वल टू डीआर हो जाएगा। एस को एक्सटर्नल पॉइंट मानते हैं तो आर सी इज इक्वल टू क्यूसी हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि इस AP की वैल्यू को क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर किसी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट आउटसाइड पॉइंट लिया जाता है और वहां से अगर टेंजेंट, दो टेंजेंट अगर ड्रॉ की जाती हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती, ये हमको लिखना है और ये समझना है। अब तो यहां से क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू हो जाएगा AS। ओके, AP इज इक्वल टू AS हो जाएगा। अब उसके बाद BP इज इक्वल टू BQ हो जाएगा, BP
इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद डी आर इज इक्वल टू डी एस हो जाएगा, यानी डी आर इज इक्वल टू डी एस हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां से अब इसको क्या करेंगे, डी आर सी इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, यानी आर सी लिखें चाहे सी आर लिखें इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा। ये सारी इस तरीके से आ जाएंगे। अब इस चीज को हम नहीं रफ करेंगे, रफ करेंगे इस फिगर को रफ करेंगे जो दूसरा क्वेश्चन कराने के लिए। अब यहां से इन सबको क्या करेंगे, राइट साइड को राइट साइड में, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे एपी और बीपी को, तो यहां से एपी और बीपी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा। ओके, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एएस बीक्यू, तो यहां से क्या हो जाएगा, एएस, एक मिनट, ये एएस हो गया, एक मिनट, अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एएस और डीएस को जोड़ेंगे, सॉरी एएस को और डीआर को, देखना एएस को इस तरीके से किस तरीके से जोड़े, डीआर को नहीं जोड़ सकते हैं, तो एपी और बीपी जोड़ेंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, डीआर और सीआर, डीआर और सीआर को क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसको साफ कर देते हैं। ये क्या लिखेंगे, एपी बीपी प्लस डीआर प्लस सीआर इज इक्वल टू एएस बीक्यू डी एस सी क्यू। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, ए पी बी पी कितना हो गया, ये हो गया ए बी, प्लस डी आर सी आर क्या हो गया, ये क्या है डी आर, यहां से यहां तक सी आर ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, ये हो गया दोनों। अब ए एस बी क्यू, ए एस और एस डी कहीं है, ये दोनों साथ साथ में हो जाएंगे, ए एस और डी एस कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे बी क्यू और सी क्यू कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इस रिजल्ट का हम लोग देखिए कहां पे यूज करते हैं, बात समझ में आई कि अगर इस तरीके से कोई भी यानी सर्कमस्क्राइब टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि सर्कल के बाहर, इनस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल के अंदर, तो सर्कल के बाहर अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कोई भी, इस तरीके से कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी आती है। अब प्रॉपर्टी की जगह पे क्या करते हैं, सब कुछ यही रहेगा, अब सब कुछ यही रहेगा, अब यहाँ पे जो हमने कंडीशन बनाई थी कि अगर कोई भी सर्कल बना हुआ है और उस सर्कल में ये अगर पैरेललोग्राम बना दिया जाए, ओके क्या बना दिया जाए, पैरेललोग्राम बना देते हैं इस तरीके से, ये ओके। अब यहां पे अगर कोई भी हम सर्कल ड्रॉ करें इस तरीके से, सर्कल ड्रॉ करें, अगर ये पैरेललोग्राम है कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ओके। अब यहां से क्या हो गया, पी हो गया, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया यस। ध्यान समझना बात को ध्यान समझना, ये कह रहा है क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई एक पैरेललोग्राम है, ठीक, यानी पैरेललोग्राम क्या है, सर्कमस्क्राइब है किसी भी सर्कल के, तो यानी कि पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब यह है ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं बिना प्रूफ के कि ए बी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा, ये नहीं कह सकते, लेकिन हम पैरेललोग्राम में ये जरूर कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। अब हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि अगर ये पैरेललोग्राम है किसी सर्कल के बाहर बन रहा है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है एक रोम्बस है, हमको कि इस पैरेललोग्राम को क्या प्रूफ करना है, जो यहाँ पे ए बी सी डी बना हुआ है, ए बी सी डी जो बना है, इसको ये प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है, ओके, ये एक रोम्बस है, ये हमको प्रूफ करना है। जो हम लोगों ने इस प्रॉपर्टीज का यूज किया हुआ था, टेंजेंट का यूज किया था, उसी टेंजेंट का यूज करके हम यहां पे ये प्रूफ करेंगे, ये जो ए बी सी डी है ये क्या है, रोम्बस है। अब यहां पे ध्यान देते हैं कि यहां पे जो सारी चीजें लिखी हुई हैं, अब यहाँ पे क्या कह, इतना प्रूफ तो किया हुआ था, अब यहाँ से हमें क्या प्रूफ करना है
कि ए बी जो है सी डी की इक्वल है। ओके, अब इतनी सारी चीज को हम लोग यहां से रफ कर देते हैं। अब यहां पे ये लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी इतना, एंड ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू बी सी। यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा इस लास्ट वाले रिजल्ट में, तो ए बी इज इक्वल टू कितना, सी डी है तो यहां से कितना हो जाएगा, टू ए बी हो जाएगा। यहां से AD इज इक्वल टू क्या है, BC है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2BC हो जाएगा। तो यहां से कट हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा AB इज इक्वल टू BC। ये तो ऑलरेडी इक्वल थी ही, ये वाली साइड जो अपोजिट साइड है वो तो इक्वल है ही, लेकिन जो उसके साथ अटैच जो है वो इक्वल नहीं थी। तो अभी क्या हमने बता दिया, प्रूफ कर दिया कि AB इज इक्वल टू BC हो गया। जब AB इज इक्वल टू BC हो गया और ये इसके यानी कि अब ये इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या है, CD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। तो यहां से इस लाइन से ही प्रूफ हो जाएगा, इन एनी पैरेललोग्राम अगर हम ये दिखा दें कि AB इज इक्वल टू BC, देन दैट पैरेललोग्राम इज कॉल्ड रोम्बस। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो भी इस क्वाड्रिलेटरल के जो सर्कल से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस पर हम लोग क्या करेंगे कि जो कर्व सरफेस, चाहे वॉल्यूम हो, फिर चाहे कर्व सरफेस एरिया हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, फिर वो चाहे सर्कल का हो, फिर चाहे रेक्टेंगल का हो, फिर चाहे स्क्वायर का हो, या फिर चाहे किसी 3D फॉर्मेट का हो, वहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, टेक केयर।